लेपर्ड और चैलेंजर टैंक, ब्रेडली जैसी आर्मर्ड व्हीकल्स, स्ट्रॉन्ग मिसाइल और बहुत बड़ा गोला बारूद का भंडार। लेकिन यूक्रेन का काउंटर ऑफेंस नाकाम रहा, क्योंकि रूस ने पहले ही मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली थी। इसके अलावा पुतिन ने अपनी सेना को जल्द से जल्द युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने का भी फरमान सुना दिया। नतीजा ये हुआ कि यूक्रेन पर रूस का तूफानी प्रहार हो रहा है। रशियन आर्मी चुन चुनकर हथियारों के गोडाउन को नष्ट कर रही है। रशियन आर्टिलरी और मिसाइलों ने यूक्रेन में तबाही मचा दी है। देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को। जमीन से रशियन आर्मी की आर्टिलरी आग बरसा रही है और हवा से रशियन बॉम्बर मिसाइलें दाग रहे हैं। पश्चिमी देशों के एयर डिफेंस की तैनाती तो है, लेकिन रूस को अब तमाम एयर डिफेंस की लोकेशन मिल चुकी है और नई रणनीति के तहत टारगेट अब वो इलाके हैं जहां से यूक्रेन ने अटैक की प्लानिंग की थी, काउंटर ऑफेंस के लिए जहां हथियार जमा किए गए थे। रूस के बॉम्बर और फाइटर जेट ब्लैक सी और अजोव सागर के ऊपर उड़ान भरते हैं और वहीं से मिसाइलें दाग दी जाती हैं। यूक्रेन के लिए एयर डिफेंस काम नहीं आ रहा और बर्बादी की कहानी लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ रूस ने फ्रंट लाइन पर एयर डिफेंस को मजबूत कर लिया है। स्टॉर्म मिसाइल नाकाम, एयर डिफेंस का इंतजाम। बर्दियांस्क एयरपोर्ट के करीब पड़ा यह मलबा ब्रिटिश मिसाइल स्टॉर्म शैडो का है। यहां रूस का एयर डिफेंस पंचीर S-1 तैनात है। यूक्रेन की सेना ने इस इलाके को दहलाने के लिए 6 स्टॉर्म शैडो मिसाइल दागी थी, लेकिन सभी मिसाइल हवा में ही नष्ट कर दी गई। मिसाइल अटैक नाकाम होने के बावजूद भी बर्दियांस्क में लगातार धमाके हो रहे हैं। दावा है कि इस इलाके में 11 धमाके हुए हैं। तस्वीरों में आप कई जगहों से उठ रहा काला धुआं देख सकते हैं। जवाब यूक्रेन ने भी दिया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के कई ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया गया। यूक्रेन का दावा है कि एयर डिफेंस ने रूस के 13 ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया। रूस ने हमले के लिए मेड इन ईरान कामिकाजे ड्रोन का इस्तेमाल किया था। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन ने S-300 एयर डिफेंस की तैनाती की हुई है। रूस के टैंक और आर्टिलरी भी यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी हथियारों को निशाना बना रही है। देखिए कैसे रूस की आर्मी ने एक अमेरिकन M777 होविट्जर को तबाह कर दिया। सुमी में लगातार रूस का हमला जारी है। यूक्रेन में इतनी तबाही मची है कि अब यूक्रेन की आर्मी इस इलाके को खाली करा रही है। सुमी इलाके से लोगों को निकालने का काम शुरू हुआ। यूक्रेन की आर्मी ने लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने को कहा है। रूस की गोलाबारी के बाद उत्तरी इलाके को खाली कराया जा रहा है। रूस की आर्मी ने खेरसोन में एक बार फिर बड़ा हमला किया। रूस के टारगेट पर फिर पश्चिमी देशों से भेजे गए हथियारों का जखीरा था। खेरसोन में रूस ने हथियारों का गोदाम तबाह कर दिया। क्रामतोरस्क में रूस के हमले में यूक्रेन के 2 जनरल रैंक के अफसरों की मौत हो गई। रूस के अटैक में करीब 50 आर्मी अफसरों की मौत हुई है। क्रास्नोपोल इलाके में भी रूस ने हथियारों के एक गोदाम को टारगेट किया। रूस ने यहां आत्मघाती ड्रोन से हमला किया। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को रूस की आर्टिलरी पर प्रहार करना होगा। इसके लिए यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन की जरूरत होगी। वॉर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि हवाई ताकत में रूस यूक्रेन से बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए यूक्रेन का काउंटर अटैक कामयाब नहीं हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से रूस को कामिकाजी ड्रोन की बड़ी खेप भेज दी गई है। एयर डिफेंस होने के बावजूद यूक्रेन रूस के बॉम्बर्स के हमलों से बच नहीं पा रहा है।
रिपोर्ट के मुताबिक अब रूस के पास चीन के घातक ड्रोन पहुंच चुके हैं। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को काउंटर अटैक में संभल कर आगे बढ़ने की नसीहत दी है। यूक्रेन को जल्द से जल्द घुटने पर लाने के लिए रूस अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल कर रहा है। रूस के हेलीकॉप्टर्स बेहद नीचे उड़ान भरते हुए यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। हालांकि डोनेस्क में यूक्रेनी फौज का मिशन तेज है। यूक्रेन की सेना ने यहां रूस की सेना के एक कमांड सेंटर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने यहां जेडैमर गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। घातक बम के असर से कमांड सेंटर की इमारत भी मलबे में तब्दील हो गई। अब इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन ने रूस पर काउंटर ऑफेंस का जो प्लान बनाया था वो पूरी तरह नाकाम हो चुका है। रूस के ताबड़तोड़ अटैक के बाद यूक्रेन को अब एक बार फिर हथियारों के बूस्टर डोज की जरूरत है। लेकिन अब नेटो के सामने यह भी साफ हो गया है कि रूस से मुकाबले के लिए अब नेटो को घातक हथियार देने होंगे। लेपर्ड और चैलेंजर जैसे टैंक देने के बाद अब नए हथियारों की लिस्ट बनाने का काम शुरू हो गया है। लेकिन सवाल यही है कि जब तक पश्चिमी देशों से यूक्रेन तक हथियार पहुंचेंगे तब तक क्या यूक्रेन रूस के तूफानी हमलों को सह सकेगा? रूस जिस रफ्तार के साथ प्रहार कर रहा है उससे यही लग रहा है कि रशियन आर्मी कमांडर्स अगले 15 से 20 दिनों में ही यूक्रेन को सरेंडर के लिए मजबूर कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।